दोस्तों, अगर आपने अपनी कंपनी की टैक्स ऑडिट करवा ली है तो आपको ये सीए के ऑफिस द्वारा ये फॉर्म 3CD की एक कॉपी आपको जरूर मिली होगी, और अभी आपने टैक्स ऑडिट करवानी है तो भी आपको ये फॉर्म 3CD सीए ऑफिस से जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, इस फॉर्म नंबर 3CD के अंदर होता क्या है, इसके अंदर हमारी कंपनी की डिटेल्स होती है और हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कुछ रिकॉर्ड इस 3CD के फॉर्म में सबमिट किया जाता है। तो इसी 3CD फॉर्म के अंदर एक इम्पोर्टेंट हमारा क्लोज है 40 का, हम यानी कि हम जिसको हम कह सकते हैं भी 40 नंबर पॉइंट। तो दोस्तों, ये जो 40 नंबर पॉइंट होता है 3CD फॉर्म के अंदर, ये एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है, क्योंकि इस 40 नंबर पॉइंट्स के अंदर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, मेन रिकॉर्ड जो आपके टर्नओवर है, ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, आपके पास स्टॉक कितना बचा हुआ है, ये रिकॉर्ड आपके इस 40 नंबर क्लोज के अंदर लिखा जाता है। और इसके अंदर हमारा 2 साल का रिकॉर्ड होता है, एक तो हमारा रहता है जो प्रेजेंट टाइम जिस ईयर्स की हम ऑडिट करवा रहे हैं उसका डाटा, और दूसरा प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर यानी कि जस्ट उससे लास्ट ईयर का रिकॉर्ड, यानी कि 2 साल का रिकॉर्ड यहाँ पर कंपैरिजन के लिए लिखा जाता है। तो आपको एज ए अकाउंटेंट रहते हुए आपकी ये जिम्मेवारी बनती है भी इस 40 नंबर पॉइंट के अंदर जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑडिट का लास्ट मूवमेंट चल रहे हैं तो सीए के ऑफिस से भी कोई मिस्टेक हो सकती है। तो आपको फाइनल अपलोड करवाने से, ये रिपोर्ट अपलोड करवाने से पहले आपको इस पॉइंट को आप जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा। वैसे तो आपको जो भी 3CD फॉरम के अंदर पॉइंट्स हैं उसको एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये 40 नंबर पॉइंट है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम है, इसको तो आपको जरूर वेरीफाई करना ही करना है। किस प्रकार से हम वेरीफाई करेंगे ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूं भी कौन कौन सा रिकॉर्ड हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में से यहां पर लिखा जाता है और क्या इसके बाद इसका इफेक्ट आता है, सारी बातें इस वीडियो में प्रैक्टिकल रहने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो शुरुआत करें उससे पहले छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों, वीडियो को प्रैक्टिकल बनाने के लिए हमारे पास टैली सॉफ्टवेयर के अंदर भी रिकॉर्ड है और एक्सेल के अंदर भी हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बिल्कुल रेडी है, और हमने इसको हम प्रैक्टिकली बनाएंगे एक्सेल शीट के अंदर ही भी हमें कौन कौन से पॉइंट को किस प्रकार से आपको लिखा जाना है। तो दोस्तों, सबसे पहला अगर पॉइंट नंबर 40 के और सीरियल नंबर 1 की बात करें तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है भी टोटल टर्नओवर ऑफ एसएससी, यानी कि आपकी अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर और एक आपके पास आ रहा है प्रेसेंडिंग प्रीवियस ईयर, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, ये जो रिकॉर्ड आ रहा है आपके पास प्रीवियस ईयर के अंदर, अब इसी के अंदर जो हमारी ऑडिट हो रही है वो कौन से फाइनेंशियल ईयर की हो रही है, वो हो रही है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की। तो प्रेसेंडिंग प्रीवियस कौन सा हो गया भी हमारा फाइनेंशियल ईयर 2020-21, यानी कि जो हमारी प्रेजेंट टाइम है उससे जस्ट 1 साल पहले का 2021 का, और 21-22 का तो हम यहाँ पर अभी ऑडिट करवा ही रहे हैं। तो सबसे पहले आप पॉइंट के अंदर हम देखें तो आपको बोला जा रहा है टोटल टर्न ऑफ एसएससी, तो यहाँ पर आपको देखना भी इस पॉइंट के अंदर जो सीए ऑफिस के द्वारा जो रिकॉर्ड लिखा गया है उस रिकॉर्ड के अंदर आपकी टोटल टर्नओवर कितनी है। टोटल टर्नओवर आपको कहाँ से देखने मिलेगी, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट बना है उस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपको देखना भी टोटल टर्नओवर आपकी कितनी है। जैसे कि अब यहाँ पर आप देख सकते हो भी टोटल टर्नओवर आपकी 217,291 रुपये की है, और आपको इसमें अपने सॉफ्टवेयर के साथ भी आपको मैच कर लेना है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो भी आपकी जो टोटल सेल है वो 217,291 रुपये की है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 217,291 रुपये की, यानी कि ये तो आपकी आ जाएगी टर्नओवर। और उसके बाद के अंदर सबसे पहले हम एक बार फाइनेंशियल 21-22 की ही हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद में आपको पॉइंट नंबर के बोले जाए ग्रोस प्रॉफिट आपका भी कितना ग्रोस प्रॉफिट आपका है। तो ग्रोस प्रॉफिट आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, एक बार ग्रोस प्रॉफिट को भी आप वेरीफाई कर लीजिएगा, ग्रोस प्रॉफिट भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मिल जाएगा जितना आपका प्रॉफिट है 155,866 रुपये और 54 पैसे का। तो अब इसको आपको क्या करना है, इस 3CD के यहाँ पे इस कॉलम के अंदर आपको लिखना होगा, कितना लिखेंगे भी 155,866 रुपये और 54 पैसे जितना ग्रोस प्रॉफिट आपके पास आ रहा है। उसके बाद आपको बोला जा रहा है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट हमें मिलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से,
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपके जो है नेट प्रॉफिट आ रहा है 1,40,866 रुपये और 54 पैसे। तो 1,40,000 और 866 रुपये 54 पैसे, 866 रुपये 54 पैसे ये आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। और उसके बाद लास्ट पॉइंट में आपको बोला जा रहा है स्टॉक भी आपके पास कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग स्टॉक से मिल जाएगा आपको, तो आपको इसको यहाँ पर रखना होगा। तो अब यहाँ पर रखने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको एक बार पेस्ट स्पेशल कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास स्टॉक है, अब इसके अंदर होगा क्या, अब यहाँ पर आपको रेशियो वेरीफाई करना है। अब रेशियो आपको किस तरीके से करना है, अब रेशियो के लिए भी आगे आपके पास यहाँ पे जैसा कि बताया गया है भी टोटल जो टर्नओवर है भी ग्रॉस प्रॉफिट आपको किस तरीके से रेशियो निकालना है भी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई टर्नओवर, भी जितनी आपकी टर्नओवर है उसको आपको जितना आपका ग्रॉस प्रॉफिट है उसको टर्नओवर से भाग करना होगा। तो भाग करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल का निशान दबाएंगे। सबसे पहले हमारे को यहाँ पर बोला गया था आपका ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट भाग का निशान और आपकी टर्नओवर इनटू 100। आप 100 भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर सीधा परसेंटेज का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, जैसा कि एक बार मैं यहाँ पे परसेंटेज कर देता हूँ। और उसके बाद में आपको करना क्या होगा, इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट और सेल। तो अब इसका मतलब आपका ये जो ग्रॉस प्रॉफिट का आ रहा है और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है आपका, इसको भी हम यहाँ पर डेसिमल को डबल कर देते हैं, यानी कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 71.73% का आ रहा है। इसी तरीके से आपका नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे हमारी टोटल टर्नओवर के साथ में। तो अब यहाँ पर आपका टर्नओवर जो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आ रहा है वो 64.83 का आ रहा है। तो आपके पास ये ज़रूरी नहीं भी एज इट इज ही जाए, कम ज़्यादा भी आ सकते हैं। और इसी तरीके से स्टॉक की वैल्यू, तो स्टॉक की वैल्यू डिवाइड बाई टर्नओवर, तो ये रहेगा 86.39। तो अब ये तो हमारा रहेगा रेशियो जो आ रहा है, ये प्रेजेंट जो हमारे फाइनेंशियल ईयर की 21-22 की ऑडिट हो रही है उसका रिकॉर्ड है। और आपको जो इससे पहले क्या आ जाएगा, इसका जो फाइनेंशियल ईयर 20-21 के दौरान आपका जो ये रेशियो था वो कितना रहा था, यानी कि अभी जैसे 71.73 है तो लास्ट ईयर ये कितना था। अब ये लास्ट ईयर का देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपके पास ये ऑफिस के द्वारा ये 3CD फॉर्म आपको दिया जाएगा तो आपके लास्ट ईयर का जो रिकॉर्ड है वो आप 2021 का इसके अंदर फिलअप हुआ आपके पास आएगा। और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम का डाटा जैसा कि अभी हमने देखा वो डाटा यहाँ पर आपको फिलअप करके CA के ऑफिस के ही द्वारा आएगा, लेकिन आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ इसको वेरीफाई जरूर करना है। वेरीफाई क्यों जरूर करना है, भी हो सकता है CEO के ऑफिस में जाने के बाद एक्सेल सीट के अंदर कुछ चेंजिंग होगी हो, ग्रॉस प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट में कुछ चेंजिंग हो गया हो तो ये डाटा भी चेंज हो जाएगा। तो आपको अपने बुक्स के साथ इसको जरूर वेरीफाई कर लेना है। और इसी तरीके से प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की जो है, अगर आपकी कंपनी की टैक्स ऑडिट पहले से हो रही है तो इसके अंदर भी रिकॉर्ड आपका जरूर आएगा 2021 का जो ग्रॉस नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और स्टॉक का परसेंटेज रेशियो क्या रहा है। और आपकी कंपनी की टैक्स ऑडिट ही पहली बार हुई है, इससे पहले कभी टैक्स ऑडिट हुई नहीं है तो इस जगह कुछ भी नहीं आएगा। और जब ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2022-23 की जो ऑडिट होगी तो उसके दौरान हमारा क्या रहेगा, ये वाला जो रिकॉर्ड है ये इस कॉलम में आ जाएगा और इसके अंदर जो हमारी जिस ईयर्स की हम टैक्स ऑडिट करवा रहे हैं उसका रिकॉर्ड है जो यहाँ पर रेशियो के साथ है जो शो किया जाता है। अब ये आपको कंपेरिजन करने के लिए 2 साल का रहता है, लास्ट ईयर का आपका ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो क्या था और इस साल में क्या है, इसी तरीके से नेट प्रॉफिट का लास्ट ईयर के अंदर आपका रेशियो क्या रहा था और इस साल में क्या रहा हुआ है। तो ये कंपैरिजन सीट आपको लास्ट 2 सालों की आपको रहती है, इससे आपको वेरीफाई हो जाता है भी हमारा लास्ट ईयर प्रॉफिट कम था इस साल ज़्यादा आ रहा है या इस साल हमारा ज़्यादा आ रहा है लास्ट ईयर हमारा कुछ कम था। तो इस तरीके से यहाँ से कंपेरिजन आप चेक कर सकते हो, भी अगर इसके अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस आता है तो डिफरेंस आने की वजह भी आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये ज़्यादा डिफरेंस आना नहीं चाहिए, मैक्सिमम अप्रोक्सीमेट ये एवरेज मेंटेन रहता है, थोड़ा बहुत पॉइंटों के साथ अप डाउन होता रहता है। तो दोस्तों इस होप इस क्लोज नंबर 44 को आप इजीली समझ गए होंगे, अगर क्योंकि ये जो अकाउंटेंट रहते हुए आपकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि आपका ही काम है ये जो रिकॉर्ड चेक करना है प्रीवियस ईयर का और प्रेजेंटिंग प्रीवियस ईयर का डाटा, क्योंकि यहाँ पर
मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए आपकी जिम्मेवारी बनती है भी टैक्स ऑडिट को फाइनली अपलोड करने से पहले इसको आप अपने बुक्स के साथ जरूर वेरीफाई कर लें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना।